नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष चकोर और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ लोग फेसबुक पे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना के वो पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सब कुछ पता नहीं है, फिर भी आप विश्वास करते हैं कि जो भी आपके टाइमलाइन पे जो भी पेज दिखाई देता है आप उसको लाइक करते हैं या फिर उस पर कॉमेंट करते हैं। तो आगे से किसी भी पेज पर लाइक या कमेंट करने से पहले सोचेगा ज़रूर, क्योंकि कोई अगर गलत एक्टिविटी करता है और आप उसको सपोर्ट करते हो तो ये भी गलत है। तो ऐसे गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप उन्हें ब्लॉक कर दीजिए या फिर फेसबुक को उनकी रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक के पास इतने एम्प्लॉय नहीं है। हर मिनट में करोड़ों लोग पोस्ट करते हैं, तो वो कहाँ सबका ध्यान रख पाए, सब चेक नहीं कर पाते हो। तो इसलिए हमें ये सब चेक करना है, क्या अच्छा है क्या गलत है और किस चीज़ का कैसे हमें सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें ही डिसाइड करना है। तो जो गलत लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनको ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि हम फेयरली और अच्छे तरीके से फेसबुक का इस्तेमाल कर सकें। मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से वो लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपने कई सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे कि जहाँ पर एक गाय को दो सिर दिखाई देते हैं या फिर किसी बच्चे को अचानक से दो सिर आ जाते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी के मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ये सब ऐसी तस्वीरें बनाते हैं, वो है एडोबी फोटोशॉप। एडोबी फोटोशॉप में आप किसी भी तस्वीर को जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। चाहे तो आप बराक ओबामा के साथ भी तस्वीर खींच सकते हो, वहाँ पे दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी तस्वीर बना सकते हैं। और आप अपने अपने आप को ही दो सिरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे उधर सिर लगा सकते हैं, जैसा भी चाहे आप तस्वीर बना सकते हैं। तो ये सब उन्होंने ऐसा किया होता है या फिर कुछ हालांकि अभी कुछ दिनों से मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ जिस पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी किया जा रहा है। वो है कि एक इंसान को दिखाया जा रहा है जो ब्लैक काला है और कुछ दिनों बाद उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है कि वो गोरा बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, नेचर ने आपको जो भी कलर दिया है वो हमेशा के लिए रहता है। ऐसा कोई कोई चीज़ नहीं है ऐसी, चाहे आप कितना भी क्रीम लगा जो होती है ना ब्यूटी क्रीम, वो कितनी भी लगावे कुछ भी करो, आप गोरे नहीं बन सकते। ये सब मेकअप के लिए जो भी कलर रहता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में उतर जाता है। तो ये सब तस्वीरों से बनाया गया है। आप एडोबी फोटोशॉप के ज़रिए किसी भी अगर किसी ब्लैक इंसान की तस्वीर है तो आप उसको बदल सकते हैं, उस तस्वीर को गोरे इंसान की तस्वीर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि भरोसा ना करें ऐसे किसी भी चीज की तस्वीर के ऊपर। ये सब बना बनाया खेल है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। पैसा कैसे कमाते हैं, इससे तो वो पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं अपने पेज की, लाइक शेयर कमेंट, इससे उनके पेज की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और ऐसे अकाउंट को एडिशन से या फिर कोई ऐसा जो थर्ड पार्टी वो होती है वेबसाइट, उससे लिंक कर देते हैं और जिससे उनको ऐड मिलती है उनके फेसबुक पेज के लिए, और इससे वो पैसा कमाते हैं। ज़्यादा लोग देखेंगे उनका पेज तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसी तरह से ये वो ऐसा काम करते हैं गलत, और हम इसके बारे में जानते नहीं तो हम चलो लाइक और शेयर कर देते और छोड़ देते, लेकिन इसी का वो फ़ायदा उठाता है। दूसरी बात यह है कि अब इसका पता कैसे किया जाता, एडोबी फोटोशॉप के बारे में कैसे आपको पता कर सकते हैं। तो आपके यहाँ शादियाँ होती है, कई प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए आप फोटोग्राफर को बुलाते हैं। तो फोटोग्राफर इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, एडोबी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से तस्वीरें बनाते हैं, एडिट करते हैं। तो इमेज एडिटिंग का ही सॉफ्टवेयर है, तो आप चाहे तो उन्हें पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें बनाई जाती है, क्या ये सही है गलत है क्या है, आप जान सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को लाइक करते हैं
शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिस किसी को कोई लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसका उस पेज का ओनर आपकी पहचान वाला है या नहीं, या फिर वो सही काम करता है या नहीं। अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो आपको उसको लाइक शेयर नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए, लाइक शेयर कमेंट करने से पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, और फिर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और देखते रहे मेरा चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।